हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने फ़ोन को MIUI 10 बीटा से MIUI 9 स्टेबल वर्जन पर जाऊंगा और दोस्तों यहां पे क्लियरली डाउनग्रेड होगा क्योंकि दोस्तों मेरा MIUI 10 बीटा जो है वो एंड्रॉयड ओरियो पर है और MIUI 9 स्टेबल है वो एंड्रॉयड 7.1 है, तो इसलिए यहां पे दोस्तों एक क्लियरली एक डाउनग्रेड होगा। और सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि बीटा पर जाने पे या डाउनग्रेड करने पर हमारा फ़ोन जो है वो डेड हो जाए यानी ब्रिक हो जा रहा है, तो इस वीडियो हम लोग इसी के जानेंगे कि क्या सच में हमारा फ़ोन ब्रिक होगा और होगा तो कैसे होगा, ये एंटी रोलबैक आखिर कैसे काम करता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रूफ दोस्तों कि आखिर ये एंटी रोलबैक कब काम करेगा और किसके लिए मतलब डेंजर हो सकता है, क्या हमारे लिए या फिर अनलॉक बूट लोडर और TWRP वाले यूजर्स के लिए, और कब यानी वो डाउनग्रेड करेंगे या बीटा टू स्टेबल जाएंगे तब होगा ये ऐसा कुछ मतलब हार्ड ब्रेक। तो इस वीडियो हम लोग इसी के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं तो यहाँ पे लगा दिया हूँ, अपने प्रोसेस में है, मेरा स्टेबल के जाने का प्रोसेस में है। यहाँ पे गेटिंग इन्फो लिख रहा है और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आ गया और बता रहे हैं हमको कि आप प्लीज़ अपना पर्सनल डाटा बैकअप कर लीजिए, नहीं तो आपका सारा जो डाटा है डिलीट हो जाएगा। तो मैंने अपने पहले ही पर्सनल डाटा बैकअप कर लिया हूँ और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा Redmi Note 5 है और Android Oreo पर बेस्ड है और ये देख सकते हो MIUI 10 है। देख सकते हो दोस्तों मैं कोई दूसरा फ़ोन नहीं यूज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं रिबूट कर दे रहा हूँ और देख सकते हो दोस्तों हमारा रिबूट होने लगा है और कुछ देर में ये अपडेटिंग मतलब रिकवरी में जाके अपना शुरू कर देगा जो काम करना है इसको। तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा फ़ोन सक्सेसफुली बूट होता है यह हमारा फ़ोन हार्ड ब्रिक हो जा रहा है, ब्रिक हो जा रहा है, देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा फ़ोन में इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, देख सकते हो ये अपडेटिंग करने लगा है, स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। और दोस्तों देख सकते हो हमारा जो update.zip देख रहा दिखा रहा है इंस्टॉलेशन फेल हो चुका है, देख सकते हो दोस्तों, और पता ना हमारा फ़ोन बचा है या नहीं, डेड हुआ है क्या हुआ है, देखते हैं रिबूट करने पर पता चलेगा कि डेड हो गया है या नहीं हुआ है। देख सकते हो ये तो फेल हो गया दोस्तों, यानी हम अपने फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम स्टेबल से बीटा पर या बीटा से स्टेबल पर नहीं आ सकते, यहाँ पे एंड्रॉयड का जो वर्शन है एंड्रॉयड ओरियो से एंड्रॉयड नौगट नहीं जा सकते, इसका मतलब ये हुआ। यानी अगर मैंने तो अपना डाउनग्रेड प्रोसेस में लगा दिया था तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मेरा फ़ोन को ब्रिक हो जाना चाहिए, जैसे कि सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि आपका फ़ोन ऐसा करोगे तो हार्ड ब्रिक हो जाएगा, नो फास्ट बूट, नो TWRP, कुछ भी नहीं आएगा। और देख सकते हो दोस्तों मेरा फ़ोन स्टार्ट भी होने लगा, देख सकते हो यहाँ पर स्टार्ट होने लगा, देख सकते हो, और कुछ देर बाद ये हो सकता है स्टार्ट भी हो ही जाए सक्सेसफुली, बूट लूप भी ना हो, और बोल रहे हैं कि हार्ट ब्रेक हो जाएगा, वो हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों हमारा फ़ोन बूट अप हो चुका है। इसका कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, यानी हमारे लिए एंटी रोलबैक एक्टिवेट हो या ना हो, हम ऐसे मेरा फ़ोन में एंटी रोलबैक एक्टिवेट नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हो दोस्तों मैं अपने फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ एंड्रॉयड वर्सन, ऐसे स्टेबल से बीटा पर जा सकता हूँ। अगर MIUI 9 में ओरियो आ गया, स्टेबल में ओरियो आ गया, तो मैं वहाँ पे डाउनग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये 7.1 है इसीलिए मैं अपने फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर पाया हूँ। यानी नॉर्मल यूजर्स के लिए जिनका बूटलोडर अनलॉक नहीं है उनके लिए दोस्तों ये एंटी रोलबैक कुछ भी मायने नहीं रखता, आप बीटा से स्टेबल, स्टेबल से बीटा पे आ सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि हमारा फ़ोन एंटी रोलबैक एक्टिवेट होने के बावजूद भी स्टेबल से बीटा पे स्टेबल आ जा रहा है। वैसे मेरा अभी रेडमी नोट 5 में अभी एंटी रोलबैक एक्टिवेट नहीं है, ये एंटी रोलबैक ओनली रेडमी नोट 5 में है, इसीलिए मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा पाऊंगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं कब आता है एंटी रोलबैक, और एंटी रोलबैक इतना ख़तरा भी चीज़ नहीं है दोस्तों, मैं आपको प्रूफ दिखा दूँगा। वैसे चलिए दोस्तों मैंने इतना आज दिखा दिया, वही काफ़ी है, तो मैं आगे दिखाते रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।